दोस्तों, डाक विभाग में अनेक पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें नौकरी पाने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन होना चाहिए, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके एज क्या रिक्वायरमेंट है और अप्लाई करने के लिए आपसे चार्ज क्या लिया जाएगा और किस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे और मैं आपको फॉर्म फिल करके भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल पोस्टल सर्किल यानी राज्य के डाक विभाग में अनेक पदों पर भर्तियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि डाक विभाग सेवक 2021 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार के पास आवेदन के लिए अंतिम तिथि 18 मार्च 2020 रखी गई है। पदों पर आवेदन से संबंधित पूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर आप जाकर वहां चेक कर सकते हैं। इसमें आपको ग्रामीण डाक सेवक के पद पर आवेदन करना होगा। इन पदों के लिए आपकी सैलरी 15,000 से 18,000 हो सकती है। अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें तो पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अगर आप हाई स्कूल पास से 10वीं पास हैं तो इन पदों के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 साल से 40 साल मांगी गई है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है या फिर 40 साल से ज़्यादा है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें आवेदन शुल्क की तो UR, OBC, EWS पुरुष उम्मीदवारों के लिए आप 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। अगर आप SC, ST और महिला उम्मीदवारों में से आते हैं तो आपसे ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 18 फरवरी 2020 से रखी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मार्च 2020 रखी गई है। अगर इस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 18 मार्च 2020 से पहले पहले इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.appost.in पर जाकर 18 मार्च 2020 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, जिसका लिंक आपको नीचे दी गई वेबसाइट में मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं जो भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कितने पद खाली हैं, क्या उसमें क्या रिक्वायर्ड है, कितनी सैलरी मिलेगी, सारी चीज़ें मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिखा देता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप किस वेबसाइट पर जाएंगे और किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। दोस्तों, ये भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक नीचे दी गई वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन में आप देखेंगे पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक सर्कल 2020 वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के लिए नोटिफिकेशन 18 फरवरी 2020 को जारी किया गया है। नीचे आप देखेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM की तरफ से आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप यहां से जाके इसे एक बार पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे आप दूसरे पेज में तो आपको यहां से कुछ कैटेगरी और उसकी एज और साथ ही साथ आपको सैलरी लिखी मिल जाएगी। यहां से आप पूरी चीजें एक बार इसे यहां से पढ़ सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सैलरी मिलेगी और कौन से जगह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे एज में आप देख पाएंगे कि आप 18 साल से 40 साल के हैं तो इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको कुछ एज की छूट दी जाएगी, जैसे आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप अदर बैकवर्ड यानी OBC से आते हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल के लिए छूट दी जाएगी। नीचे आप आकर देखेंगे तो आपको कौन से स्टेट में अप्लाई करना है, कौन से स्टेट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, सारी चीजें आप यहाँ नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर लेंगे। आप इसे चाहे यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करके आप देख सकते हैं, यहाँ प्रिंट करेंगे या फिर उसके साथ में एक डाउनलोड का बटन आ रहा होगा, आप इसे चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर appost.in। आप कोई भी क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस जैसा इंटरफेस दिखेगी। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर आपको सारी चीजें बताई गई हैं, आप कितने स्टेप में ये चीजें यानी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आप इस जॉब के बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट डेट 18 फरवरी 2020 है, इस जॉब की आखिरी तारीख है 18 मार्च 2020, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपको ये भी बताया गया है आप कितने स्टेप में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आप 3 स्टेप में इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप UR, OBC, EWS से आते हैं तो। अगर आप दूसरे कास्ट या फिर दूसरे कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन फ्री में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसमें आपको फॉर्म फिल करना है, फोटो अपलोड करने हैं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे,
यहाँ अपने फादर का नेम लिखेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो यस या नो लिखेंगे। यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। नीचे आप देखेंगे किस बोर्ड से आपने हाई स्कूल पास किया, आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको बोर्ड में कितने डिवीजन मिले थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपको यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपने हाई स्कूल किस साल में पास किया है, आपको यहाँ से सारी चीजें बता देनी है, यहाँ पर टाइप कर देना है। नीचे आप देखेंगे लिखा होगा अपलोड फोटो। अपलोड फोटो के लिए यहाँ पर ब्राउज क्लिक करेंगे, अपना फोटो सेलेक्ट करके यहाँ अपना फोटो अपलोड कर देंगे। आपका फोटो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको फोटो JPG फाइल में होना चाहिए। नीचे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करेंगे, अपना सिग्नेचर स्कैन करेंगे या फिर फोटो उसका खींचेंगे, यहाँ पर ब्राउज करके फोटो अपलोड करेंगे। आपके सिग्नेचर का साइज 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कैप्चर कोड यहाँ फिल करेंगे, आई हैव पे टिक करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो आप यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं, उसके आई हैव पे दोबारा से टिक करेंगे, सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे। दूसरे स्टेप में आपको जब भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, पहले स्टेप करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, ये रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे। आप पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन का चार्ज लिया जाएगा। नीचे आप मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट करेंगे। अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो आपको सबसे पहले यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। दूसरे ऑप्शन में आता है कि आप अपना सर्कल यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। उसके बाद जब भी आपका फॉर्म सक्सेसफुल फिल हो जाएगा तो आप यहां से सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से इंडिया पोस्ट में आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आप हाई स्कूल पास होना जरूरी है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में कोई परेशानी आती है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और सवाल पूछने या फिर और कोई जानकारी चाहिए तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे द्वारा बताए गए जॉब के लिए अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप प्लीज पैसे ना दें। हम जिस जॉब के बारे में आपको जानकारी देते हैं पहले उसे डिटेल से जानकारी चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही हम आपको बताते हैं। फिर भी अगर आप जब भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर आप जाकर विजिट करेंगे, वहाँ आपको हर दिन सरकारी और प्राइवेट नौकरी से संबंधित सारी जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।